हेलो गाइस, नमस्ते. ओ माई गड, म आफैले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन. एउटा एक्साइटमेन्ट लेभल चाहिँ एकदम हाई छ मेरो, किनभने आज नेपालको क्रिकेट देख्दाखेरि मलाई एकदमै उत्साहित भएर आएको छु. र हल्का मैले चाहिँ यो इन्डियन मिडियाको मैले चाहिँ रियाक्सन गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ नेपालले आज क्रिकेट खेल्दा इन्डियनलाई चाहिँ इन्डियनको रेकर्ड ब्रेक गरेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी भएर आएको छु. किनभने यो एक कम्पिटिसन हो, सो कम्पिटिसन भोलि बिहान नेपाललाई पनि कसैले चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्छ. तर आज जुन नेपालले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ, वर्ल्ड रेकर्ड राखेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी एकदम गर्व हुनुपर्छ. सो हेरौँ यो भिडियो मिडियामा इन्डियन मिडियाले के भन्दो रहेछ है, त कसरी तारिफ गरेको छ. तारिफ गरोस् किन न, किनभने नेपालले गरेको छ त्यस्तो काम जुन चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड, एउटा होइन दुईवटा होइन पाँचवटा वर्ल्ड रेकर्ड एउटै म्याचमा राख्नु भनेको त्यो लेभल भनेको हाई छ. ल हेर्नुहोस् है त मिडियामा के भन्दो रहेछ. टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड था युवराज सिंह के नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है. देख्नुभयो साथीहरु, युवराज सिंहले 50 सबभन्दा धेरै 50 सबभन्दा कम बलमा डेलिभरीमा 50 बनाउने, सबभन्दा फास्टेस्ट 50 बनाउने युवराज सिंह, इन्डियाको क्रिकेटर इन्डिया युवराज सिंहले बनाउनु भएको थियो. भने अहिले चाहिँ नेपालले 27 सेप्टेम्बर, यानि कि हिजो मात्रै यङ मङ्गोलियनसँग चाइनामा खेल्दा इन्टरनेसनल टी20मा वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएको छ. पायल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने उन्होंने मात्र 9 गेंद में टी20 इंटरनेशनल में 50 लगाई है. इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 12 गेंद में 50 रन बनाए थे और अब तक ये रिकॉर्ड उनके नाम था. लेकिन युवराज सिंह ने 12 बॉल में 50 रन बनाएको थियो, तर हेर्नुस है त हाम्रो दीपेंद्र सिंह एरी ले कति बनाउनु हो. अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और नेपाल के इस बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड तोड़ा है. बता दें कि चीन में एशियन गेम्स खेले जा रहे हैं, जहां पर नेपाल और मंगोलिया की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें नेपाल के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए. इस मैच में सबभन्दा ठुलो रेकर्ड नेपालले आजसम्म टी20मा विश्वमा नभएको 278 सम्म चाहिँ रेकर्ड राखेको थियो अफगानिस्तानले लास्ट म्याचमा. भने अहिले नेपालले 314 रन्स बनाएको छ, विश्व रेकर्ड, जुन चाहिँ विश्व लेभलमा एकदमै उच्च छ, हाई स्कोर. रिकॉर्ड भी टूटा है, क्योंकि आपको बता दें कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और भारत के रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 35 बलमा 100 रन बनाउने, सबभन्दा फास्टेस्ट 100 सेन्चुरी बनाउने डेभिड मिलर थियो भने युरो के अरे इन्डियाको रोहित शर्माले. तर त्यो रेकर्ड पनि अहिले ब्रेक गरेका छन् कसले, नेपालको कुशल मल्लले 34 बलमा सेन्चुरी पुरा गरेका छन् है. 35 गेममा टी20 इन्टरनेसनल में शतक लगाया था, लेकिन नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 34 गेंद में ये शतक लगाकर उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. एक मैच में नेपाल के बल्लेबाजों ने धमाल मचाया है. सबसे पहले युवराज सिंह का 9 जो 12 गेंद में उन्होंने 50 लगाई थी उसका रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने तोड़ा, 9 गेंद में 50 लगाई. उसके बाद 34 गेंद में शतक लगाकर कुशल मल्ला ने भी रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा है. तो बड़ा यहाँ पे ये रिकॉर्ड, जिसकी तमाम जगहों पर चर्चाएं हो रही है, हर कोई बात कर रहा है कि नेपाल के इस बल्लेबाज ने युवराज सिंह का जो एक ऐसा रिकॉर्ड था 2007 के टी20 विश्व कप में ये रिकॉर्ड बना था, उसके बाद से कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर. देख लो कसले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ त, नेपाली, हामी नेपाली पाया था. लेकिन एशियन गेम्स में ये चमत्कार हुआ है, मात्र 9 गेंद में 50 लगाई है. इसके अलावा आपको बता दें कि जो कुशल मल्ला है, इन्होंने 50 गेंद का सामना किया और 137 रन की पारी, 50 बल में 137 रन बनाने सफल कुशल मल्ला, वाह रे वाह, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 8 चौके लगाए. रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा और डेविड मिलर, 12 छक्का 8 चौका कुशल मल्ला का नाम. वही आपको बता दें कि इस मैच में मंगोलिया की टीम मात्र 41 रन पर ही ऑल आउट हो गई. वाह रे वाह, मंगोलिया की टीम तो 41 रन में आउट हुई, 41 रन ओनली, नॉट हाफ सेंचुरी, बिलो देन हाफ सेंचुरी. ओके,
गई थी, तो बड़ा ये मैच देखने को मिला। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नेपाल जैसी टीम 300 प्लस स्कोर करेगी, उसके बाद 314 रन सही, तो ये एक बड़ा यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसकी हर तरफ चर्चाएं हैं। वेल आप कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी की इस शानदार बल्लेबाजी और इस रिकॉर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट कर नेपालको खेलाडी, नेपालको क्रिकेटर खेलाडीले तपाईँले के भन्नुहुन्छ, कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, एउटा मोटिभेसनको रूपमा पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि हाम्रो नेपाली गौरवलाई अझै मनोबल मिलोस् र खेलाडीहरूप्रति अझै चाहिँ उत्साह जागोस्, जुन चाहिँ वर्ल्ड आजको यो वर्ल्ड रेकर्ड छ, योभन्दा पनि कैयौँ वर्ल्ड रेकर्डहरू राख्न सफल हुन्, त्यस्तो खालको हामी उहाँहरूलाई मनोबल उच्च, एउटा एक्साइटमेन्ट लेभल चाहिँ हाई गराउनुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्ट एकदमै आवश्यक छ, सपोर्ट छ। अझ तपाईँहरू यस्तै भिडियो हेर्न फ्युचरमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले अझै पनि नयाँ नयाँ कुराहरूको मैले भिडियो रिएक्सन गर्नेछु, जुन चाहिँ नेपाली लेभल यानि कि नेपालीपन, आफ्नो नेपालीपनलाई झल्काउनेछ, सो रिफ्ल्याक्ट गर्नेछ, एकदमै गौरव गर्ने कुरा हो। 5-5 वर्ल्ड रेकर्ड, 5-5 नट वान, 5-5 वर्ल्ड रेकर्ड है त साथीहरू। सो नमस्ते, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड कमेन्ट बिलो द भिडियो। थ्याङ्क यू।